नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अंबेडकर नगर में स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर सर्व समाज समिति के तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर समाज के दलित, दबे, कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे और उनके विचारों को ग्रहण करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम बाबा साहब को अपने जीवन में शुद्ध रूप से आत्मसात करें, उनके विचारों को मैत्री भाव से, शांति भाव से, दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाकर हम सब वैचारिक रूप से भला करें। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। भीमराव अम्बेडकर जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है उसके अवसर पर लाल कुआं में अम्बेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें प्रतिभाग करने आया हूँ। और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का वो संविधान के अंतर्गत वह निर्धारित किया जाता है। तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव, मोहल्ले, घरों के लिए सारे प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को दें और उस फंड का उपयोग करें।